लखीमपुर खीरी के निघासन पुलिस द्वारा जादुई मोर पंख से बीमारी ठीक करने का झांसा देकर ठगी करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 6 वांछित अभियुक्तों जिसमें महबूब अली पुत्र मोबिन अली, निजामुल पुत्र इम्तियाज, मुनीस पुत्र याकिन अली, फुरकान पुत्र गफ्फार, इरफान पुत्र इसहाक, अफाक पुत्र जमील निवासी गन सुथियाना को दुल्ही पानी की टंकी के पास से 2 अवैध तवंजा कारतूस, 4 अवैध छुरी सहित 5 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों के कब्जे से बरामद अवैध शस्त्रों के संबंध में थाना निघासन पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। दरअसल उत्तराखंड राज्य की रहने वाली पीड़ित एक महिला द्वारा निघासन कोतवाली में तहरीर देकर बताया गया उसके साथ जादुई मोरपंख का लालच देकर बीमारी ठीक करने को लेकर विश्वास में लेकर धोखाधड़ी करने मोबाइल फोन व अन्य दस्तावेज छीन लिए गए जिसके आधार पर थाना निघासन पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक खीरी द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा सुराग रस्सी, पतार रस्सी, सर्विलांस सेल, ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से घटना में संलिप्त 9 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। सीओ निघासन राजेश कुमार ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया निघासन इलाके के कुछ ठगों द्वारा जरूरतमंद लोगों को धन कमाने, बीमारी ठीक करने के संबंध में लोगों को अपने जाल में फंसा कर जादुई मोरपंख, करामाते गिलास, नागमणि, दो मुहा, सांप का झांसा देकर ठगी की जाती थी।